टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम शतक का, ये रुख करते हैं 100 बड़ी खबरों की ओर। पीएम मोदी ने त्रिशूर में 55 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा का किया अनावरण, सोने का सोपानम भी समर्पित किया। कर्नाटक में भाजपा का अभियान, 28 से पीएम मोदी मैदान में, 6 दिन में 16 रैलियां और रोड शो करेंगे। मुस्लिम आरक्षण हटाने पर 9 दिन तक रोक। केजरीवाल ने बंगले के डेकोरेशन में खर्च किए 45 करोड़, भाजपा का दावा, कहा वे घर में नहीं बल्कि शीश महल में रह रहे। सिटी रवि को लेकर दिए बयान पर ईश्वरप्पा की सफाई, कहा मेरे पास सीएम उम्मीदवार तय करने का अधिकार नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस से बागी हुए पूर्व विधायक गांदरवल शेख, पार्टी ने 6 साल के लिए निकाला, जम्मू कश्मीर में प्रस्तावित है विधानसभा चुनाव। देश के सबसे बुजुर्ग नेता थे प्रकाश सिंह बादल, पीएम मोदी भी छूते थे पैर, 76 साल का सियासी करियर, किसानों के समर्थन में पद विभूषण लौटाया था। सीबीआई की चार्जशीट में पहली बार मनीष सिसोदिया का नाम, शराब नीति केस में 3 को भी आरोपी बनाया, 12 मई को सुनवाई होगी। दिल्ली में एक क्लिक में मिलेगी सरकारी सेवाएं, सीएम केजरीवाल ने की 180 नई वेबसाइट की शुरुआत। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी का बड़ा बयान, बोले लोकसभा चुनाव बीजेपी के सांप्रदायिक एजेंडे पर नहीं। टीडीपी प्रमुख का बड़ा बयान, बोले चुनावों को धन बल को कम करने के लिए 500 रुपए के नोट को बंद करे सरकार। आनंद मोहन को रिहा करने के बिहार सरकार के फैसले पर एआईएस लॉबी नाराज, सीएम नीतीश से पुनर्विचार को कहा। प्रियंका गांधी का पीएम मोदी पर वॉर, बोली बेरोजगारी महंगाई की बात क्यों नहीं करते, आप लोगों को आगे बढ़ाने की बात क्यों नहीं करते। नीतीश कुमार ने अखिलेश यादव और ममता बनर्जी से की मुलाकात, तो प्रशांत किशोर बोले चंद्रबाबू नायडू ने भी मुहिम शुरू की थी। बंगाल में भीड़ ने कालियागंज पुलिस स्टेशन जलाया, 4 दिन पहले दलित नाबालिग का शव सड़क पर घसीटते पुलिस का वीडियो सामने आया था। गुजरात एटीएस को मिली लॉरेंस की 14 दिन की कस्टडी, मादक पदार्थों की सीमा पार तस्करी के मामले में करेगी पूछताछ। पीएम मोदी पुष्कर आलू में करेंगे संवाद, वाराणसी में 12 साल बाद गंगा पुष्कर महाकुंभ, साउथ के 21 घाटों पर 1,00,000 श्रद्धालु पूजा करेंगे। सीएम योगी ने विपक्ष पर कसा तंज, बोले सेफ सिटी में शोहदों का आतंक व स्मार्ट सिटी में गंदगी की जगह नहीं। शिवपाल के सामने विधायक और नगर अध्यक्ष मंच पर भिड़े, सपा महासचिव ने कहा अखिलेश को गुंडा बोलने वाले खुद गुंडे। अखिलेश यादव का भाजपा पर तंज, बोले जनता को असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए किया प्रदेश में पूरा सिस्टम फेल।
सलमान खुर्शीद ने मथुरा में किया प्रचार। निकाय चुनाव में कांग्रेस समर्पित प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। सांसद हेमा मालिनी भी दो दिन करेंगी प्रचार। एटीएम बाबा गिरोह ने मशीन तोड़ चुराए थे 39 लाख। चोरी के वक्त 1200 सेकंड लंबी बात करना पड़ा महंगा। चार गिरफ्तार। बिजनौर में 5 साल की बच्ची को खा गया गुलदार। एक सप्ताह में ले चुका है 3 लोगों की जान। ग्रामीणों ने जमकर किया हंगामा। भाजपा के पूर्व विधायक की 52 साल की उम्र में 12वीं पास। पप्पू भरतौल बोले, छात्र छात्राएं हंसते थे, पूछते थे क्या बनोगे, मैंने कहा वकील बनूंगा। 12वीं में फेल होने पर छात्र ने किया सुसाइड। झांसी में पिता ने रिजल्ट पूछा तो बोला सर्वर नहीं आ रहा, कमरे में जाकर लगाई फांसी। एएमयू में 4 छात्रों पर हमला। कैंपस के अंदर चाकू से किया घायल। मेडिकल कॉलेज में भर्ती। पुलिस के मुताबिक आरोपी छात्र मानसिक रोगी। उन्नाव में युवक ने फांसी लगाकर दी जान। दूर छपर में मिला शव। मानसिक तनाव से उठाया खौफनाक कदम। महोबा में किराने की दुकान में लगी आग। तकरीबन 9 लाख के नुकसान का अनुमान। पूर्व में भी इसी दुकान में लग चुकी है आग। कोर्ट से लौट रहे हिस्ट्री शीटर पर हमला। अलीगढ़ में हत्या के मामले में तारीख करके लौट रहा था हिस्ट्री शीटर। गोली लगने से साला हुआ जख्मी। भोले के दर्शनों के लिए पदयात्रा। मुंबई में भोले के धाम के लिए पैदल निकला 17 सदस्यीय दल। उत्तराखंड में 4 धाम के करेंगे दर्शन। बाइक की डिग्गी से 1,20,000 चोरी। पीएनबी से कैश निकालकर बाइक की डिग्गी में रखा सामान खरीदने बाजार में रुके, उसी वक्त हुई चोरी। निकाय चुनाव को लेकर कानपुर पुलिस अलर्ट। शहर में चौतरफा नाकेबंदी चेकिंग। गैंगस्टर लगाकर ताबड़तोड़ कार्रवाई। आगरा में मकान की छत गिरने से 2 बच्चों की मौत। गर्भवती महिला घायल। एक ही कमरे में सो रहा था परिवार। हापुड़ नगर निकाय चुनाव में 3,47,000 मतदाता करेंगे चुनाव में मतदान। 113 केंद्र पर होगा मतदान। 4 अध्यक्ष पद पर 37 नामांकन। बीजेपी प्रत्याशी पर आचार संहिता के उल्लंघन की एफआईआर। गाजियाबाद में एसीपी ने बंद कराई आतिशबाजी। बोले मैं दूसरे किस्म का हूं। आप सांसद संजय सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर। गृह जनपद में वोटर तक दिल्ली मॉडल नहीं पहुंचा पा रहे प्रत्याशी। 2017 में जब्त हुई थी जमानत। पत्नी के घर ना लौटने पर युवक ने किया सुसाइड। कला से परेशान होकर 3 महीने पहले चली गई थी मायके। सिकंदरा पहुंचे शिवपाल यादव ने दिया जीत का मंत्र। कहा निकाय चुनाव में सपा की जीत से यूपी में बीजेपी की राजनीति की कड़ी कमजोर होगी। गाजीपुर नगर निकाय चुनाव को लेकर पुलिस महकमा चौकन्ना। एसपी ने थानेदार को दिया सख्त निर्देश। सीमाओं पर अवैध गतिविधियों पर रोक। हसनपुर में तालाब में उतराता मिला युवक का शव। पुलिस ने जताई हत्या की आशंका। शव को तालाब में फेंकने की आशंका नहीं हो पाई शिनाख्त। फिरोजाबाद में अनियंत्रित होकर पलटी कार। एक ही परिवार के 5 लोग घायल। बाइक को बचाने की कोशिश में हुआ हादसा।
वैश्य समाज पर टिप्पणी को लेकर लोगों में आक्रोश, कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की दी चेतावनी, एसपी के आदेश पर एफआईआर। मेरठ में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, पैर में गोली लगने से एक हत्यारोपी घायल, साथी अंधेरे का फायदा उठाकर हुआ फरार। सोनभद्र में जिला अस्पताल के दो डॉक्टर निलंबित, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने गोपनीय जांच कराने के बाद की कार्रवाई। मुरादाबाद में बाइक सवार युवक को कार ने कुचला, नेशनल हाईवे पर लोधीपुर के पास हुआ हादसा, दूर तक घसीटते ले गई कार। पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी पर लगा जुर्माना, मेरठ में सिपाही चहल सिंह को जड़ा सा थप्पड़, वर्दी फाड़ कर अपमान किया था। सीएम धामी ने महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन को दी श्रद्धांजलि, गणितीय क्षेत्रों में आपके द्वारा दिया गया योगदान। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री श्री प्रकाश सिंह बादल के निधन पर सीएम धामी ने जताया दुख, कहा परिजनों व समर्थकों को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। अल्मोड़ा विभिन्न विकास योजनाओं का हुआ शिलान्यास, सीएम धामी ने किया बहुउद्देशीय शिविर एवं कृषक महोत्सव का लोकार्पण। अल्मोड़ा के गोलजीओ देवता मंदिर पहुंचे सीएम धामी, मंदिर में धामी ने की पूजा अर्चना, साथ ही प्रदेशवासियों को सिख समतु हेतु कामना की। आईपीएल मैच में सट्टा लगवाते 5 छात्र गिरफ्तार, पिछले दिनों 2 बड़े कॉलेजों ने किए थे 11 स्टूडेंट बाहर। उत्तराखंड के चारधाम के लिए हुए 17 लाख से अधिक पंजीकरण, जीएमवीएन में 10 करोड़ से ज्यादा की बुकिंग। उत्तराखंड में एयूजेई पेपर मामले में एसआईटी जल्द करेगी चार्जशीट दाखिल, पटवारी परीक्षा में ज्यादा हो सकते हैं आरोपी। बाबा का नन्हा भक्त 16 किलोमीटर पैदल चलकर धाम पहुंचा, 4 साल का आदित्य तिरंगा लेकर लगाया जयकारे। उत्तराखंड के पिथौरगढ़ में दहशत, सिरसोली पट्टी गांव के 50 घरों में दरारें, टलन में हो रहा विस्फोट बना कारण। उत्तराखंड में बदला मौसम, चोटियों पर हुई बर्फबारी, निचले इलाकों में बारिश, त्यूड़ी में घर पर गिरी बिजली। केदारनाथ जयंती पर आदि गुरु शंकराचार्य के समाधि स्थल पर नहीं चढ़ा एक भी फूल, धरने पर बैठे अभिमुक्तेश्वर आनंद। उत्तराखंड के रुड़की में हाईवे पर अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई बाइक, दिल्ली के युवक की मौत, साथी घायल। हाईकोर्ट ने राजीव भरतरी की याचिका पर प्रमुख वन सचिव और अन्य से मांगा जवाब, 6 जून को अगली सुनवाई। उत्तराखंड में स्वरोजगार योजनाओं के हजारों ऋण आवेदन रद्द होने पर हरकत में आई सरकार, शासन ने मांगी बैंकवार सूची। सीएम धामी की घोषणा, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में तैनात एसडीआरएफ कर्मियों को मिलेगा 1500 तक जोखिम भत्ता। लंदन में बनेगा ब्रिटेन का पहला जगन्नाथ मंदिर, ओडिशा मूल के बिजनेसमैन ने दान किए 254 करोड़, 2024 तक पूरा होगा पहला फेज।
सूडान से अब तक 561 भारतीयों को निकाला, जेहाद पहुंचे एयरलिफ्ट कर भारत लाया जाएगा, अभी भी 3000 से ज्यादा लोग फंसे। चीन पहुंचे पाकिस्तान के आर्मी चीफ, 4 दिन बीजिंग में रहेंगे जनरल आसिम मुनीर, इसके पहले यूएई और सऊदी गए थे। एससीओ समिट में नहीं आएंगे पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, 27-28 को दिल्ली में है मीटिंग, अगले महीने बिलावल के आने पर भी सवालिया निशान। दो हजार चौबीस के अमेरिकी चुनाव में फिर बाइडेन कमला की जोड़ी, दोनों ने दावेदारी का ऐलान किया, बोले हम अमेरिका की आत्मा बचाने के लिए लड़ रहे हैं। अवैध कामों के खिलाफ ब्रिटेन में सप्ताह भर चला अभियान, भारतीय डिलीवरी ड्राइवरों को किया गया गिरफ्तार। भारतीय मूल के व्यक्ति को सिंगापुर में फांसी की सजा, ड्रग तस्करी के आरोप में करार दिया था दोषी। यूएन में पाकिस्तान ने फिर आलापा, कश्मीर का राग, भारत का जवाब बेकार, टिप्पणियों का जवाब देकर परिषद का समय बर्बाद नहीं करेंगे। अमेरिका की वजह से बढ़ रही न्यूक्लियर वॉर की आशंका, रूस ने यूक्रेन युद्ध में यूएस के शामिल होने पर कही बात। पूर्व स्तंभकार ने ट्रंप पर लगाए दुष्कर्म के आरोप, ट्रंप पर जबरन दुष्कर्म और छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। एमजी की इलेक्ट्रिक कार कॉमेंट ईवी लॉन्च, कंपनी की ये सबसे सस्ती और छोटी इलेक्ट्रिक कार टियागो ईवी को टक्कर देगी। लॉन्च हुआ वीवो एक्स 19 सीरीज, मिलेगा 50 एमपी ट्रिपल कैमरा सेटअप, लॉन्चिंग से पहले लीक हुई कीमत। भारत में 37,999 रुपए में मिलेगा वन प्लस पैड, इसमें 95/10 mAh बैटरी के साथ 11.6 इंच की डिस्प्ले। चार हजार एम्प्लॉयज को नौकरी से निकालेगी डिज्नी, ये छटनी का दूसरा राउंड, पहले में 7,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला था। ई कॉमर्स कंपनियों की बाजार बिगाड़ने वाली कीमत के खिलाफ सरकार, पीयूष गोयल ने साधा निशाना, एफडीआई नियमों का करना ही होगा पालन। एसबीआई ने ग्राहकों के फंड पर ब्रोकर नहीं बना पाएंगे बैंक, गारंटी मौजूदा गारंटी 30 सितंबर तक खत्म करने का निर्देश। घरेलू सौदों के लिए आरबीआई के जरिए देश में विदेशी मुद्रा लेन देन की मिली अनुमति, अमेरिकी बैंक में लगे रोक। जमीनी सौदा मामले में आईएएस अधिकारी से पूछताछ, ईडी ने एक अफसर समेत 7 लोगों को किया था गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो निकला फेक, वीआईपी इंडस्ट्रीज ने फिर किया खंडन। रेल विकास निगम के शेयर की सेंचुरी, एक महीने में स्टॉक ने दिया 62% का रिटर्न, दूसरे देश में भी रेल प्रोजेक्ट के लिए लगा रही बोली। गुजरात की मुंबई पर पहली जीत, 55 रन से हराया नूर अहमद और राशिद खान से मिलकर किए 5 विकेट, गिल ने जमाया अर्धशतक। फैंस के बीच फंसे अनुष्का कोहली, बेंगलुरु में फैंस अनुष्का के साथ सेल्फी लेना चाहते थे, होटल से कार तक पहुंचने के लिए करनी पड़ी मशक्कत।
WFI विवाद में बबीता फोगाट का बड़ा बयान, बोली ठीक से नहीं हुई जांच, श्रीमन राधिका ने बदतमीजी करते हुए रिपोर्ट छीनी। टेस्ट क्रिकेट में आयरलैंड का कमाल, श्रीलंका के खिलाफ 492 रन बनाए, पाल स्टर्लिंग और कर्टिस कैंपर ने अपना पहला टेस्ट शतक लगाया। अर्जुन तेंदुलकर ने पिता सचिन को पछाड़ा, आईपीएल बैटिंग डेब्यू में सचिन से एक रन ज्यादा बनाया। पांच गेंद पर 5 छक्के पड़ने के बाद 7-8 किलो कम हो गया यश दयाल का वजन, तबीयत भी ठीक खराब, हार्दिक पांड्या ने किया खुलासा। आरसीबी की आड़े आया क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, फिट होने के बावजूद केकेआर के खिलाफ मैच में नहीं खेलेंगे जोश। प्लेयर ऑफ द मैच अभिनव मनोहर का बयान, कहा मेरी कोशिश होती है कि नेट्स में लंबे वक्त तक बल्लेबाजी किया जाए। शाहिद कपूर से मिले शिखर धवन, शिखर धवन और बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर की तस्वीरें हुई वायरल। एलएसजी फैंस के लिए बुरी खबर, आईपीएल 2023 के आखिरी चरणों के मुकाबलों में उपलब्ध नहीं रहेंगे मार्क वुड। दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड मिलने पर भावुक हुई विद्या बालन, बोली मैं उन्हें यह पहनकर दिखाना चाहती थी। सलमान खान को इवेंट में फीमेल फैन ने किया प्रपोज, बोली सलमान मुझसे शादी कर लो, एक्टर ने दिया ऐसा रिएक्शन। शारजाह जेल में है एक्ट्रेस कृष्ण परेरा, एयरपोर्ट में ट्रॉफी में मिला था ड्रग, कुत्ते पर हुई बहस के बाद पड़ोसी ने रची थी साजिश। द कपिल शर्मा शो पर वापस आए कृष्णा अभिषेक, झाड़ू लेकर डांस करते वीडियो शेयर किया, फैंस बोले अब आएगा मजा। डंकी की शूटिंग के लिए कश्मीर पहुंचे शाहरुख खान, फूलों के गुलदस्ते के साथ हुआ ग्रैंड वेलकम, सोशल मीडिया पर सामने आया वीडियो। दिल्ली हाईकोर्ट ने शाहरुख खान के हक में सुनाया फैसला, जवान के लीक वीडियोस को सभी प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश। एयरपोर्ट पर दिखे वरुण नताशा, पेपराजी को देख वरुण ने पकड़ लिया नताशा का हाथ, फैंस बोले सो क्यूट। आर्या 3 के सेट पर वापस लौटी सुष्मिता सेन, शेयर किया दमदार वीडियो, तलवारबाजी करती आई नजर। दुबई के एक मॉल में स्पॉट हुए सलमान खान, कड़ी सुरक्षा के बीच आए नजर, ईद सेलिब्रेशन के लिए पहुंचे दुबई। ऑल ब्लैक लुक में स्पॉट हुई ऐश्वर्या राय, पोनियन सेल्वन 2 का प्रमोशन कर रही हैं ऐश्वर्या, फिल्म में माँ और बेटी दोनों का रोल करेंगी। प्राइम शतक में अभी के लिए इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ, नमस्कार। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।